हेलो एवरीवन स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन ठीक है ये क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन है ठीक है और कौन सा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ठीक है इससे पहले मैंने आपको जो है इंटेक्स क्वेश्चन सब कुछ मतलब क्लियर किया और ये पहले चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ ये पहला क्वेश्चन इसके बाद दूसरा फिर तीसरा ऐसे मैं वन बाई वन करके मतलब तो अपलोड करूँगा अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक देते हैं उसको जाकर विजिट कर सकते हैं तो आप चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं ठीक है क्लास नाइन का ये एक्सरसाइज सॉलूशन का है ठीक है एक्सरसाइज के जो सोलूशन है उसको हम लोग करेंगे ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस जो भी ये टेम्परेचर दिए हुए हैं जिसको हम लोग कैलविन में कहते हैं के का मतलब क्या होता है कैलविन होता है इसको हम लोग को क्या करना है सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में बदलना है ठीक है तो जैसा आपको मैं बता दूँ कि सेल्सियस का फॉर्मुला क्या होता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कैलविन माइनस टू सेवेंटी थ्री होता है क्या होता है कैलविन टू सेवेंटी थ्री अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना हो कैलविन दिया होगा तो कैलविन जो भी वैल्यू दिया होगा उसमें से क्या मतलब उसमें से दो टू सेवेंटी थ्री माइनस करना होगा ठीक है तो हमको डिग्री सेल्सियस पता चल जाएगा अगर ऐसे ही अगर आपको कैलविन दिया होगा जो कि सेकेंड क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अपलोड होगा तो अगर आपको कैलविन दिया रहेगा सॉरी कैलविन पूछेगा डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो आपको टू सेवेंटी थ्री क्या करना होगा प्लस कर देना होगा ठीक है तो अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि डिग्री सेल्सियस निकालना होता है अगर कैलविन दिया रहता है तो कैलविन में से टू सेवेंटी थ्री माइनस करते हैं ठीक है का सॉल्यूशन देखिए क्या 293 में क्या करना होगा 273 सेवेंटी थ्री हमको माइनस करना होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और 470 सेवेंटी के कैरविन का मतलब हो जाएगा टू सेवन अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 273 सेवेंटी माइनस करना होगा तो जीरो में से थ्री नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे तो टेन में से थ्री जाएगा तो क्या आ जाएगा सेवन यहाँ बच गया सिक्स सिक्स में से सेवन नहीं जाएगा फिर एक कैरी लेंगे तो सिक्सटीन में से सेवन जाएगा तो कितना आ जाएगा नाइन यहाँ बचा थ्री और यहाँ बचा टू थ्री में से टू जाएगा तो कितना बचा वन मतलब कि फोर टी कैलविन को वन नाइन्टी सेवन डिग्री सेल्सियस हम लोग कह सकते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको बदलने समझ में आ गया होगा कैसे बदलते हैं कैलविन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है या आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा उसके बाद ऐसे वन बाई वन वन बाई वन मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा चैनल पर बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलूँगी जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग टेमप्रेचर टू द कैलविन स्केल ठीक है जो भी ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ दियाको हम लोग को क्या करना है कन्वर्ट करना है कैलविन में ठीक है तो इसका फॉर्मूला देख ली क्या होता है कैलविन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में दो प्लस कर देते हैं ठीक है ठीके? इसको याद रखिएगा इसका मतलब कि जब भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा और कैलविन में चेंज करने को बोलेगा तो आपको क्या करना होगा दो प्लस कर देना होगा टू क्या करना होगा ऐड कर देना होगा ठीक है और अगर आपको कैलविन दिया हुआ है और अगर डिग्री सेल्सियस से से पूछता है तो दो क्या करना होगा आपको माइनस करना होगा इसको याद रखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज एक मतलब चैप्टर वन का एक्सरसाइज एक्सरसाइज uh, का सेकंड क्वेश्चन है ठीक है किस क्लास नाइन का ठीक है तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं क्या करेंगे डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारे ट्वेंटी फाइव में टू सेवेंटी थ्री क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो केल्विन हमारा आ जाएगा ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टू प्लस टू सेवेंटी थ्री जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टू नाइन थ्री टू नाइन्टी एट कैलविन इसका आंसर आ जाएगा और उसी तरीके से थ्री सेवेंटी थ्री को अगर चेंज करना है किस में केल्विन में तो थ्री सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस में टू सेवेंटी थ्री क्या करेंगे ऐड करेंगे तो थ्री थ्री ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सिक्स और साथ ही साथ सेवन और सेवन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा फोर्टीन कैरी आया वन और थ्री में टू देंगे फाइव प्लस वन कैरी आ गया कितना आ गया सिक्स हो गया मतलब सिक्स फोर सिक्स कैलविन हो जाएगा मतलब सिक्स हंड्रेड फोर्टी सिक्स कैलविन हो जाएगा किसको हम लोग बोल सकते हैं थ्री सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस को बोल सकते हैं उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्वेश्चन नंबर थ्री है देखिए क्या कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन उसका आपको मतलब गिव रीजन देना ठीक है पहला पार्ट हम लोग देखिए इस वीडियो में देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट देखेंगे ठीक है क्या देखिए कह रहा है नेफिलिन बाल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ठीक है जो नपथिलिन बॉल होता है एक बॉल होता है ठीक है जो कि यूज किया जाता है किसी भी कपड़े में कपड़े में रखा जाता है जैसे आ, उलेन कपड़े हो गए उसमें रखे जाते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो मतलब इस्मेल ना करें ठीक है तो ऐसे कई नेपथिलिन बाल का यूज़ किया जा, जाता है जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है छिपकली या कीट कीटाणु को भगाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये ऐसा क्यों किया जाता है और नेथलीन बाल क्या होता है नेपथलीन बाल कुछ समय बाद वो गायब क्यों जाता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसका क्या मतलब है फ्यू सब्सटेंस अंडर द दबलीमेशन ठीक है मतलब वो सॉलिड होता है जो बॉल होता है वो कैसा तो सॉलिड होता है और सॉलिड से वो डायरेक्ट कैसा बन जाता है गैस बन जाता है ठीक है वो गैस की तरह बन जाता है ठीक है जब वो गैस बन जाता है ध्यान से समझिएगा तो गैस का मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बन गया ठीक है इसका मतलब इस जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सबलीमेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं सबलीमेशन बोलते हैं इजीली एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर क्या होता है लगभग माना जाता है ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर के लगभग थर्टी ट्वेंटी टू थर्ट ट्वेंटी फाइव या थर्टी तक रूम टेम्परेचर लेता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है नेथलिन बाल मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सब्लीमेशन बोलते हैं सच एज नैथलिन बाल चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक प्लेस इजिली इसीलिए वो क्या करता है इजिली वो मतलब मतलब स्टेट अपना चेंज कर लेता है ठीक है सॉलिड से गैस में हो जाता है दस नेपथिलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ठीक है बिना किसी सॉलिड को छोड़े मतलब किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ता है और डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो जाता है लिक्विड में सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है ठीक है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं ठीक है थीक? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली जैसा आप कि आपके स्क्रीन पर हुआ हुआ है चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास नाइन क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है ठीक है सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इस ऑब्जर्वेशन को हमको क्या करना है इसका रीजन देना है ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर अवे हम लोग क्या करते हैं बहुत दूर भी रहते हैं फिर भी हम लोग को परफ्यूम के जो जो मतलब सुगंध होता है जो उसका एरोमा होता है एरोमा मतलब सुगंध ठीक है एरोमा जो होता है हमको बहुत दूर तक क्या होता है दिख जाता है ठीक है तो ऐसा, होता है? ऐसा होता है क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो परफ्यूम होता है उसके जो काइटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ठीक है टी कर ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर फास्ट डिफ्यूजन होता है ठीक है ये इसका मतलब पूरा डिफ्यूज़न पढ़ लेते हैं, इसके आंसर पढ़ लेते हैं द स्मेल एरोमा ऑफ परफ्यूम मतलब है उसका सुगंधित परफ्यूम का जो परफ्यूम का जो सुगंध होता है रीज सेवरल मीटर अवे ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन क्या होता है फास्ट डिफ्यूजन होता है डिफ्यूजन मतलब ब्रेकआउट मतलब उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं जैसे एक मॉलिक्यूल मॉकिक्यूल फटाफट फटाफट ये टूटने लगता है जब टूटने लगता है तो क्या होता है डिफ्यूजन बहुत तेज होने लगता है जिसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं ठीक है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कांटिक जो गैस के मालिकूल होते हैं उनके अंदर कांटिक बहुत ज़्यादा होता है इसी वजह से वो डिफ्यूजन बहुत तेज होते हैं और इसी वजह से वो जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर तक मतलब फैल जाते हैं जैसे कि घर में अगर आपकी सब्जी बनती है कोई अच्छी या कोई ऐसा अच्छा पकवान बनता है तो वो भी आपको दूर तक मतलब दूर तक महक जाता है कि मेरे घर पर या ऐसा कुछ बन रहा है ठीक है तो इसका भी कारण ये फास्ट डिफ्यूजन ठीक है तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ देखिए क्या दिया गैसेस परफ्यूम पार्टिकल्स थ्रू द एयर ठीक है तो ईयर की वजह से वो दूर तक फैल जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर लेकर आए हैं जो कि एक्सरसाइज वन मतलब चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का क्वेश्चन नंबर फोर है देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर क्लास नाइन्थ का अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ़ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ठीक है फोर्स ऑफ एट्रक्शन देखिए क्या होता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है ठीक है कोई भी अगर सॉलिड है तो उसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है उसके बाद लिक्विड होता है उसके सबसे कम किस में होता है गैस में होता है तो ये तीन हमको दिया वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन ठीक है तो इसमें शुगर क्या होता है शुगर आप देखेंगे क्या होता है सॉलिड होता है तो सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन में होगा शुगर में होगा दूसरा किस में होगा उसके बाद वाटर में होगा क्योंकि वाटर लिक्विड होता है उसके बाद लास्ट में क्या होगा ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन हमारा क्या होता है गैस होता है ठीक है तो ये हमारा क्या? मतलब ऑर्डर दिया हुआ है तो ये हमारा पहले ऑक्सीजन इधर होगा सबसे कम फिर वाटर और फिर शुगर हो जाएगा ठीक है उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आज मैं क्वेश्चन नंबर फाइव लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ठीक है तो व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर ठीक है पच्चीस डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ठीक है मैं आपको समझाता रहा हूँ पच्चीस डिग्री सेल्सियस मतलब जीरो से लेकर के अगर हम हंड्रेड तक देखते हैं तो उसमें क्या होता है वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है किसमें होता है लिक्विड फॉर्म होता है जैसे कि आप अपने घर पर देख सकते होंगे जो भी टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेमपेचर पर पानी हमारा कैसा होता है लिक्विड के फॉर्म होता है लेकिन जीरो डिग्री सेल्सियस क्या होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं ठीक है जुदा इसका पूरा डिटेल में लिखा हूँ देखिए समझाता हूँ बारी बारी से तो पहला दिया हुआ है। पहला का आंसर मैंने बताया आपको द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड क्या होता है जीरो से लेकर के अगर हंड्रेड के बीच में देखा जाएगा तो क्या होता है बिटवीन जीरो टू हंड्रेड बिटवीन मतलब एक से लेकर नाइन्टी नाइन तक में क्या होता है पानी जो है कैसा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ठीक है यहां पर दिया बिकॉज बिटवीन जीरो डिग्री एंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर एक्जिस्ट एज ए लिक्विड ठीक है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया दूसरा क्या है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है पच्चीस डिग्री पे लिक्विड होता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है जीरो डिग्री सेल्सियस ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ठीक है मेल्ट आई जीरो डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पे, Celsius पे आइस क्या होता है पिघलने लगता है एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और साथ ही साथ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी है ठीक है अगर कोई कंडीशन लगा दी जाएगी तो उस समय अगर मान लीजिए जीरो तो डिग्री सेल्सियस के बाद आप उसको छोड़ दिया जाए तो आइस पिघलने लगेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया और उसको उसी तरीके से कंडीशन दिया गया तो क्या होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ठीक है तो मतलब इसमें इस टाइम इस पर क्या होता है मेल्ट भी हो रहा है और फ्रीज भी हो रहा है इस डिग्री सेल्सियस का मतलब कि वाटर दो फॉर्म में मिलता है एक लिक्विड और सॉलिड जीरो डिग्री सेल्सियस में ठीक है सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड मिलेगा और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो क्या होगा हंड्रेड डिग्री

मैंने आपको समझाया आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू सो मच हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है जैसा कि आपके स्क्रिप्ट दिया क्वेश्चन नंबर क्लास नाइन चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स साइंस का जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसका पहला पार्ट हम लोग आज करेंगे ठीक है क्या है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ एन इज़ अ लिक्विड ठीक है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है वाटर लिक्विड होता है इसका दो रीजन देना है ठीक है कैसे पता है मतलब दो रीजन दीजिए कि हाँ वो लिक्विड होता है ठीक है सबसे पहले तो आपको रूम टेम्परेचर जानना होगा कि रूम टेम्परेचर होता क्या है रूम टेम्परेचर मतलब कि रूम के अंदर का टेम्परेचर जिसको हम लोग नापते हैं ट्वेंटी टू थर्टी लगभग मानते हैं ठीक है, 20 है ये थोड़ा उन्नीस बीस मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है ठीक तो है तो आइए समझते हैं इसका दो रीजन पहला रीजन देखिए क्या है कि वाटर is liquid एट रूम टेम्परेचर ठीक है वाटर जो होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर क्यों होता है पहला क्योंकि वो फ्लो फ्लो की टेंडेंसी होता है इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो अगर पानी मतलब फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब किस फॉर्म में वो लिक्विड के फॉर्म में है पहला रीज़न हो गया समझ में आ गया होगा सभी को और दूसरा रीजन क्या कह रहा है इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट फील्ड बट इट वॉल्यूम डिबेंड द सेम देखिए ये ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी शेप में आप डालेंगे जिस भी कंटेनर के शेप में डालेंगे वो उसी प्रकार का शेप हो जाता है जैसे मान लीजिए अगर आपने ग्लास में डाला तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा अगर आपने बॉयल में मतलब एक बाउल में डाला तो बाउल के टाइप का वो 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 हो हो जाएगा मतलब पानी उसमें भर जाएगा। उसमें भर बट एक कंडीशन ही हो जाती है 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 कि उसका उसका वॉल्यूम वॉल्यूम क्या क्या होता होता चेंज नहीं होता, वो उसका रहता है, रहता सेम ठीक है थीके? तो ये भी दूसरा इसका रीजन हो गया उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर क्यों होता है ठीक है दोनों मैंने रीजन आपको समझा दिया ठीक है क्वेश्चन अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करने के लिए जो सारे देने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास नाइन चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट भी आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे ठीक है देखिए क्या कर रहा है गिव टू रीजन टू जस्टिफाई जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है बी पार्ट इसको क्या करना है दो रीजन देना है इसको जस्टिफाई करने के लिए ठीक है एंड आयरन अलमीरा इज़ ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ठीक है कह रहा है जो आयरन लोहे की जो अलमारी होती है अलमीरा वो क्या होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर तो आप सभी को बताओ कि लगभग बीस से लेकर के तीस तक में क्या होता है रूम टेम्परेचर होता है तो रूम टेम्परेचर पे जो आयरन का अलमीरा है वो सॉलिड ही होगा मैं कैसे बताऊंगा क्यों होगा क्योंकि जो सॉलिड जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो मतलब सॉलिड जो चेंज होता है उसका आयरन का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ठीक है तो इसका दो रीजन मैं आपको समझाता हूँ देखिए क्या कह रहा है एन आयरन अलमीरा एंड आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज रीजन वन क्या दिया हुआ इट्स सेप एंड वॉल्यूम आर डिफरेंट क्यों ऐसा है क्योंकि उसका सेप और वॉल्यूम दोनों, दोनों के दोनों क्या है सेम मतलब डिफिनीट है चेंज नहीं हुए हैं ठीक है इसीलिए वो क्या है सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है री, रीज़न टू क्या है इट इज़ हार्ड एंड रिगिड मतलब वो बहुत ही सख्त है और कठोर है ठीक है इट डेंसिटी इज़ हाई मतलब उसका जो अलमीरा है उसकी डेंसिटी भी क्या है बहुत ही ज़्यादा हाई है ठीक है इसीलिए जो आयरन का अलमीरा होता है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है सॉलिड होता है ठीक है ये चेक करने का ये दो रीजन है इसका रीजन हम लोग समझ गए ठीक है, है उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो आयरन अलमीरा होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर क्योंकि रूम टेम्परेचर बहुत ही कम होता है तो उस पर उसका शेप और साइज़ क्या होता है चेंज नहीं हो सकता वो क्या होता है डिफिनेट रहता है पहला रीज़न और दूसरा क्या होता है कि वो हार्ड और रिगिट भी रहता है और साथ ही साथ उसकी डेंसिटी भी हाई होती है ठीक है थैंक यू सो मच उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचा दीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हो क्वेश्चन नंबर सेवन मतलब क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है क्या कह रहा है वाई इज द आइस एट टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलिविन देखिए टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री के को क्या बोल सकते हैं हम लोग जीरो डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं ठीक है तो जीरो डिग्री सेल्सियस या टू सेवेंटी थ्री केलिविन बोलिए मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर कह रहा है कि जो जो बर्फ होता है वो मोर इफेक्टिव कूलिंग क्यों करता है वाटर के कंपेयर में ठीक है अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन बहुत ही अच्छा रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ पहले इसको पढ़िए अब देखिए क्या कह रहा है आइस एट टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलवीन इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज इट एब्जॉर्ब एडिशनल हीट मतलब लेटेंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू मेल्ट मतलब देखिए जो एक बर्फ़ का टुकड़ा है और यहाँ पर अगर पानी है ठीक है तो जो बर्फ़ क्या होता है अपने आस पास का जो उसका टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो जब ध्यान दीजिएगा जो उसको एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पर वो क्या करता है कूलिंग कर देता है ठीक है इसी ऐसा काम वाटर में नहीं वाटर नहीं कर पाता है सिर्फ ये बर्फ़ कर पाता है इसीलिए बर्फ से बर्फ़ ज़्यादा कूलिंग करता है एज कंपेयर टू वाटर ठीक है तो टू मेल्ट विदाउट टेम्परेचर चेंज बिना टेम्परेचर के चेंज किए ठीक है मेकिंग इट्स ऑब्जॉर्व मोर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इसका मतलब कि वो अपने जो बर्फ होता है वह अपने सराउंडिंग से ज़्यादा हीट को क्या करता है ऑब्जॉर्व कर लेता है जैसे ही वो ऑब्जॉर्व करता है तो वहां पर क्या होता है वहां पर कूल हो जाता है इसीलिए जो है कि मोर इफेक्टिव इन कूलिंग होता है एज कंपेयर टू टू वाटर ठीक है बर्फ क्या करता है ज़्यादा ठंडा करता है एज कंपेयर टू वाटर देखा जाए तो ठीक है ये क्वेश्चन पूछा था उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और ये चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ठीक है तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ भी सकते हैं मैं एज सुन एज पॉसिबल उस वीडियो उसका वीडियो भी बना दूंगा ठीक है थैंक यू सो मच सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर एट क्लास नाइन चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है देखिए वाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम कहना चाह रहा है कि आपको सबसे ज्यादा गंभीर रूप से कौन सी चीज जला सकती है क्या शिविर मतलब गंभीर बन सब जलाना ठीक है boiling वाटर और स्टीम बॉइलिंग वाटर से आप ज्यादा गंभीर रूप से घायल होंगे या स्टीम भाप से ज्यादा घायल होंगे तो आपको मैं बता दूँ कि सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टीम हो जाएगा ठीक है क्यों ऐसा हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि स्टीम के अंदर क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है ठीक है उसके अंदर क्या होता है लेटेंट हीट होता है ठीक है और वो लेटेंट हीट क्या करता है उस वेपर जब होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर को क्या करता है हाँ, हायर हाई कर देता है इसी वजह से अगर स्टीम और बॉयलिंग वाटर से दोनों दो लोग अगर दोनों अलग अलग चीज़ स्टीम वाटर स्टीम से या बॉइलिंग वाटर से जलते हैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक रूप से कौन जलेगा स्टीम वाला व्यक्ति जलेगा ठीक है देखिए इसका रीजन समझ लीजिए स्टीम कॉज इज मोर सीवियर बंस देन बॉइलिंग वाटर द रीजन दैट इज रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट क्या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ठीक है लेटेंट हीट ठीक है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट थी ठीक है विच इज ज ऑलरेडी टेकिन ड्यूरिंग द वेपर जब पानी गर्म होता है जब पानी गर्म होता है तो जो क्या होता है पानी गर्म होने के बाद वो क्या होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है वो वेपर के फॉर्म में बदलने लगता है तो जब से ही वो वेपर के फॉर्म में बदलने लगता है तो उसके अंदर क्या होता है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में वो ऊपर उड़ने लगता है तो वही लेटेंट हीट क्या करता है जलाने बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से जला देता है अगर पानी के कंपेयर में गर्म पानी के कंपेयर में देखा जाए तो ठीक है इसको आप याद रखिए इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि जो सीवियर बर्न होता है जो गंभीर रूप से कोई चीज़ जला सकता है तो बॉयलिंग वाटर और स्टीम में कौन जला सकता है स्टीम जला सकता है क्यों क्योंकि उसके अंदर एक लेटेंट हीट होता है ठीक है उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होता है मतलब लेटेंट हीट उसमें छुपी रहती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे आदमी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है ठीक है और बॉयलिंग वाटर में क्या होता है हंड्रेड सेल्सियस ही रहता है तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो स्टीम है उससे दोनों कंपेयर किया जाए तो स्टीम हमको ज़्यादा गंभीर रूप से जला सकता है ठीक उम्मीद करते हैं कि ये ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी समझ में आ गया होगा ठीक है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब आप करते ही रहते हैं और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा थैंक यू सो मच हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चले जैसा कि आप किसके पर दिया क्वेश्चन नंबर नाइन क्लास नाइन साइंस चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज क्वेश्चन है देखिए कह रहा Name, A, B, C, D, e, F, है नेम ए बी सी डी ई एफ ठीक है इन द फॉलोइंग डायग्राम सोइंग चेंज इन इट्स स्टेट जो ये देखिए क्या कर रहा है स्टेट को चेंज कर रहा है सॉलिड देखिए यहाँ पर है सॉलिड से लिक्विड हो रहा है और लिक्विड से क्या हो रहा है गैस हो रहा है ठीक है इसको चेंज करके दिखा रहा है ठीक है अब यहाँ पर एक गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो रहा है इधर देखिए फिर सॉलिड से इधर डायरेक्ट गैस हो रहा है तो इस सबका नाम देना है क्या देना हमको नामकरण करना है ठीक है मतलब इनका नाम रखना है कि क्या क्या इसका नाम होगा ठीक है तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे और इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं ठीक है पहला देखते हैं एक क्या है सॉलिड से अगर लिक्विड होता है तो क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग जैसे

पानी है पानी को हम क्या करते हैं बॉयल करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है इवेपरेट हो जाता है या एक और अलग से नाम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं वेपराइजेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं वेपराइजेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है आ जाते हैं ए और बी दोनों हमने क्लियर कर लिया सी किसे बोलते हैं देखिए गैस से अगर लिक्विड में चेंज किया जाए गैस है गैस के मॉलिक्यूल हैं हवा में उड़ रहे हैं तो उनको अगर लिक्विड के फॉर्म में किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं लिक्विफिकेशन कहते हैं ठीक है उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी कंडेंसेशन देखेंगे जिसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं पानी खौलाते हैं ठीक है और उसके ऊपर अगर ढक्कन लगा देते तो वो जो वा वाटर वेपर जो गैस होता है वो जाकर उस ढक्कन के ऊपर क्या होता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में वहां पर चिपका रहता है ठीक है तो वही गैस से क्या हो गया लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया हम समझ गए इस बात को अब देखिए सी भी समझ गए इसको हम लोग लिक्विफिकेशन कह लीजिए या कंडेंसेशन कह सकते हैं ठीक है अगला देख लीजिए डी लिक्विड से अगर सॉलिड बनाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं मतलब अगर पानी है उसको फ्रीज करेंगे तो क्या हो जाता है के फॉर्म में चेंज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं या हम सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं क्या बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन इसका अनदर टर्म्स बता रहा हूं ठीक है डी आपको समझ में आ गया होगा अगला देखिए क्या है ई है डायरेक्ट सॉलिड से अगर कोई गैस बन जाता है क्या हो जाता है सॉलिड से अगर कोई गैस बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सबलीमेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं सब्लीमेशन तो ई हमारा क्या हो जाएगा सबलीमेशन और अगर आपको पता होगा एफ गैस से अगर किसी चीज़ को लिक्विड बना दिया जाए गैस से क्या बनाए अगर डायरेक्ट लिक्विड बना दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ध्यान से समझेगा मैंने यहाँ पर बताया पूरा लिखा भी है इसको डिपोजिशन बोलते हैं क्या बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं अगर आपको गैस से कोई चीज़ को सॉलिड बनाना तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा और मैंने यहाँ पर डिटेल में सब लिख भी दिया इसको भी आप देख सकते हैं बस समझ सकते हैं मेल्टिंग फ्यूजन मेल्टिंग और फ्यूजन बोलते हैं इवापोरेशन और वेपराइजेशन बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन सी को बोलते हैं उसके बाद फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन सब्लीमसन और डिपोजिशन डिपोजिशन दीपु� क्या होता है देखिए पढ़ लीजिए वेयर गैस चेंज इन टू द सॉलिड विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट ठीक है ये दोनों याद रखिए सबलिमेशन सबलीमेशन और डिपोजिशन ठीक है ध्यान रखिएगा ये ई e हमारा क्या हो जाएगा सबलीमेशन और एफ क्या हो जाएगा हमारा डिपोजिशन ठीक है उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या करना है आपको लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है और साथ ही साथ क्या करना है सब्सक्राइब भी करना है ठीक है थैंक यू सो मच